दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक परमिशंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बेसिक परमिशंस डिस्कस करने वाले हैं वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हम लोग फाइल्स और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो उन पर जो बेसिक परमिशंस अप्लाई करते हैं हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं। अब इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर टर्मिनल ओपन करता हूं और दोस्तों यहां पर मैं ls कमांड के द्वारा अगर आपको दिखाऊं तो यहां पर हमारे कुछ डिफॉल्ट्स डायरेक्टरीज अवेलेबल है। तो मैं यहां पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं mkdir। इसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं mkdir स्पेस डायरेक्टरी नेम। तो मैं यहां पर मलिक नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं। देखिए सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। इसके बाद मैं एक टच कमांड के द्वारा ब्लैंक फाइल क्रिएट करता हूं विशेष के नाम से, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। ls कमांड के द्वारा आप देख सकते हैं यहां पर कि विशेष नाम से फाइल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और यहां पर मलिक नाम से डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई है। अब अगर आप दोस्तों किसी भी फाइल और डायरेक्टरी की डीपली इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं या किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की डिफॉल्ट परमिशंस आप चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं ls स्पेस हाइफन l। देखो अगर आप ls कमांड यूज करते हैं तो जस्ट आपको फाइल और डायरेक्टरी का नेम डिस्प्ले होगा, लेकिन अगर आप ls के साथ में हाइफन l भी यूज करते हैं तो उस टाइप करके जस्ट आप एंटर की प्रेस करोगे तो यहां पर सभी फाइल्स और डायरेक्टरी की डीपली इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी, जैसे कि डायरेक्टरी नेम यानी कि फाइल और डायरेक्टरी नेम, किस टाइम पर ये डायरेक्टरी क्रिएट की गई, किस डेट में क्रिएट की गई, किस मंथ में क्रिएट की गई और इस डायरेक्टरी का साइज क्या है। दोस्तों ये साइज जो है आपको KB में शो होगा और इस डायरेक्टरी का ओनर ग्रुप कौन है ये आप देख सकते हैं, इसी तरह ओनर यूजर कौन है ये भी देख सकते हो और इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स अवेलेबल है ये भी आप देख सकते हैं। तो इस डायरेक्टरी के अंदर 2 सब फाइल्स और डायरेक्टरी अवेलेबल है और दोस्तों इस डायरेक्टरी पर क्या परमिशंस अप्लाई है, दोस्तों इस वाले पॉइंट को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहां पर विशेष नाम की फाइल जो है किस टाइम पर क्रिएट की गई, किस डेट में क्रिएट की गई, किस मंथ में क्रिएट की गई और इस फाइल का साइज क्या है इन KB, इस फाइल का ओनर ग्रुप कौन है, ओनर यूजर कौन है, नंबर ऑफ फाइल और डायरेक्टरी और इस फाइल पर डिफॉल्ट परमिशंस क्या है ये आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो किसी भी फाइल और डायरेक्टरी की जो परमिशंस होती है उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से यहां पर देखिएगा जरा दोस्तों, जब भी हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी डायरेक्टरी या फिर फाइल क्रिएट करते हैं तो उन पर कुछ डिफॉल्ट परमिशंस ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है। अब ये डिफॉल्ट परमिशंस कौन कौन सी होती है या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब भी हम लोग कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो उन पर कौन कौन सी परमिशंस अप्लाई होती है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो इसको डिस्कस करने के लिए मैं यहां पर आपके सामने एक फाइल की हेल्प ले रहा हूं। मैंने यहां पर सब कुछ प्रॉपर नोट डाउन किया हुआ है। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो उस पर हम लोग कुछ ये डिफॉल्ट परमिशन हमारी अप्लाई होती है, जैसे कि 3 टाइप की परमिशन अप्लाई की जाती है किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पर। वो होती है, सबसे पहली परमिशन होती है रीड, सेकंड परमिशन होती है राइट और थर्ड परमिशन होती है एग्जीक्यूट। अब रीड का मीनिंग क्या है, राइट का मीनिंग क्या है और एग्जीक्यूट का मीनिंग क्या है,
दोस्तों रीड का मीनिंग है, अगर हमने किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पर रीड परमिशन दी हुई है तो दोस्तों उस फाइल के अंदर के कंटेंट को केवल देखा जा सकता है, रीड किया जा सकता है, उस कंटेंट को डिलीट नहीं किया जा सकता है या उस कंटेंट को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। तो ये होती है रीड ओनली परमिशन, यानी कि कंटेंट को केवल देखा जा सकता है, रीड किया जा सकता है। राइट परमिशन, दोस्तों राइट परमिशन के द्वारा आप किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूट परमिशन, दोस्तों एग्जीक्यूट परमिशन जो है इसको हम लोग दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों एग्जीक्यूट अगर मैं सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं, जब हम लोग सीडी कमांड के द्वारा किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं तो आप उसी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं जिस पर आपको एग्जीक्यूट की परमिशन है। क्लियर है? अगर हम लोग किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं तो उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए आपको एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए। अगर आपको उस डायरेक्टरी पर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है तो आप सीडी कमांड के द्वारा उस डायरेक्टरी के अंदर नहीं जा सकते हो। सेकंड, एग्जीक्यूट का मीनिंग क्या होता है? जब हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं, दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप उसी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो जिस पैकेज पर आपको एग्जीक्यूट की परमिशन है। क्लियर है दोस्तों? तो ये तीन टाइप की परमिशन हम लोग यूज करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल और डायरेक्टरी के लिए। पहली होती है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। अब दोस्तों इन तीनों परमिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो टाइप के सिंबल्स यूज करते हैं। सबसे पहले होता है सिंबॉलिक और सेकंड होता है न्यूमेरिक। ये दो ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं, या कह सकते हैं कि परमिशंस को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिक नंबर। अब दोस्तों अगर आप रीड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो रीड हम लोग आर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट परमिशन जो है वो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एग्जीक्यूट परमिशन जो है वो हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रीड राइट एग्जीक्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक मेथड में हम लोग अल्फाबेट्स यूज करते हैं, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। इसके बाद अगर हम लोग रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन को न्यूमेरिक नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो न्यूमेरिक नंबर के अंदर रीड परमिशन जो है दोस्तों हम लोग नंबर 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट परमिशन जो है वो 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और एग्जीक्यूट परमिशन जो है वो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखना क्योंकि आगे चल के हम लोग इन सिंबॉलिक मेथड को और न्यूमेरिक मेथड को काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है? दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक परमिशंस को डिस्कस करने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग और डीपली डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पर हम लोग जो परमिशन अप्लाई करते हैं वो 9 डिजिट के अंदर, यानी कि 9 डिजिट के अंदर परमिशन प्रोवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी परमिशन प्रोवाइड करते हैं और कैसे प्रोवाइड करते हैं, किस सिंटेक्स में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो जरा यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों इस वाले पार्ट को मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, इससे पहले मैं आपको ये 9 डिजिट आपको परमिशन डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखिए दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशंस को हम लोग 9 डिजिट में डिवाइड करते हैं। वो कैसे कैसे होता है? दोस्तों पहली डिजिट होती है रीड राइट और एग्जीक्यूट, 3, 3 और 3, यानी कि 3 डिजिट, 3 डिजिट और 3 डिजिट, टोटल हो गई ये 9 डिजिट। अब ये कैसे कैसे परमिशन होती है? दोस्तों पहली 3 डिजिट वो ओनर यूजर की परमिशंस को रिप्रेजेंट करती है।
जैसे कि अगर मैं और थोड़ा सा आपको ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करूं, इसके लिए मैं यहां पर आपके सामने ये मैंने टर्मिनल ओपन किया, मैं यहां पर मलिक डायरेक्टरी की परमिशन आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों इस वाले सिंबल को मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं ये 3 डिजिट देखो दोस्तों, फर्स्ट 3 डिजिट, सेकंड 3 डिजिट और थर्ड 3 डिजिट, ये 3 9 डिजिट के अंदर परमिशन प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों पहली 3 डिजिट जो है ये ओनर यूजर की परमिशन होती है, जो कि ओनर यूजर आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है दोस्तों। सेकंड 3 डिजिट जो है ये ओनर ग्रुप की परमिशन होती है, क्लियर है। और लास्ट की जो 3 डिजिट होती है वो ओनर यूजर के अलावा बाकी जितने भी यूजर हैं उन सभी की परमिशन जो है ये लास्ट 3 डिजिट में रिप्रेजेंट की जाती है। अब वापस फाइल में चलते हैं, तो पहली 3 डिजिट जो है ये ओनर यूजर की परमिशन को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड 3 डिजिट जो है ये ओनर ग्रुप की परमिशन को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट की जो 3 डिजिट होती है ये ओनर यूजर के अलावा बाकी जितने भी यूजर हैं उनकी परमिशन को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों 3 3 डिजिट जो है ये इनका भी प्लेस यानी कि स्थान जो है बिल्कुल फिक्स है, जैसे कि पहली डिजिट इन 3 डिजिट में से फर्स्ट डिजिट जो है वो आर के लिए रिजर्व है, सेकंड डिजिट जो है वो डब्ल्यू के लिए ही रिप्रेजेंट है, और थर्ड डिजिट जो है वो एक्स के लिए ही रिप्रेजेंट है। कभी भी इन अल्फाबेट का जो स्थान है प्लेस जो है वो चेंज नहीं हो सकता है कि आप करना चाहो, जैसे कि मैं यहां पर आपको बता देता हूं, परमिशन जो नॉर्मली हमारी होती है, एक सेकेंड जरा, हमारी परमिशन जो है वो रीड राइट और एग्जीक्यूट ये होती है। अब कोई बंदा करना चाहे कि मैं राइट की जगह एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट की जगह राइट कर देता हूं, ये पॉसिबल नहीं है। जो प्लेस जिस अल्फाबेट के लिए है वो फिक्स है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारी 9 डिजिट के अंदर परमिशन प्रोवाइड की जाती है ओनर यूजर, ओनर ग्रुप और अदर यूजर के लिए। अब दोस्तों इस वाले लोकेशन पे आते हैं, दोस्तों फर्स्ट ये तो हो गई 9 डिजिट जो हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को परमिशन प्रोवाइड करते हैं। अब 10th डिजिट जो है यानी कि फर्स्ट डिजिट जो है वो रिजर्व होती है डी के लिए या फिर एल के लिए या फिर वो ब्लैंक होगी। अब डी जो है दोस्तों वो डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी भी डायरेक्टरी की परमिशन चेक करना चाहते हैं तो वहां पर आपको ऑलवेज डी रिप्रेजेंट करेगा, डी जो है वो डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों अगर वहां पर एल आया हुआ है तो समझ लेना वो डायरेक्टरी किसी अनदर डायरेक्टरी के साथ में लिंक की गई है, क्लियर है दोस्तों। अगर वो वहां पर कुछ भी नहीं है, ना तो वो डी है ना ही वहां पर एल है, वो जस्ट ब्लैंक आया हुआ है, तो समझ लेना वो एक फाइल है, नॉर्मल फाइल है, क्लियर है। अब अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, देखिए दोस्तों ये हमारी 9 डिजिट के अंदर परमिशन है, ओनर यूजर, ओनर ग्रुप और अदर यूजर की परमिशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की। अब अगर आप यहां पर देखें, मैंने आपको बोला था कि कभी भी परमिशन के अंदर किसी भी अल्फाबेट का स्थान चेंज नहीं होगा, और आप अगर यहां पर देखें रीड और एग्जीक्यूट, राइट की जगह एग्जीक्यूट नहीं आया है, वो स्थान जो है वो बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है। इसी तरह आप यहां पर भी देख सकते हैं, क्लियर है, कभी भी लोकेशन चेंज नहीं होगी किसी भी अल्फाबेट की। और जो आप यहां पर देख रहे हो दोस्तों, यहां पर एक नॉर्मल डायरेक्टरी के अंदर आपको हमेशा यहां पर डी दिखाई देगा, यानी कि डी जो है ये डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है,
लेकिन अगर हम लोग यहां पर देखें, ये जो स्काई ब्लू कलर आया हुआ है, ये हम लोग लिंक्ड फाइल और डायरेक्टरीज को हम लोग बोलते हैं स्काई ब्लू कलर में। और यहां पर आपको एल डिस्प्ले होगा। एल का मीनिंग है कि ये डायरेक्टरी जो है किसी अनदर डायरेक्टरी के साथ लिंक की गई है। और अगर हम लोग विशेष के अंदर देखें दोस्तों, विशेष जो फाइल है उसके अंदर देखें, तो आप यहां पर भी देख सकते हो, ये हमारा फर्स्ट स्पेस जो है बिल्कुल खाली है, यानी कि ये एक नॉर्मल फाइल है, रीड राइट और ये 3 डिजिट जो है वो ओनर यूजर की परमिशन है, यानी कि इस ओनर यूजर को इस फाइल पर क्या परमिशन है, और ये 3 डिजिट ग्रुप ओनर के लिए है, लास्ट के 3 डिजिट जो है वो इस यूजर के अलावा बाकी जितने भी यूजर है अदर यूजर की परमिशन होती है। क्लियर है दोस्तों? आप यहां पर देख सकते हैं कि लोकेशन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं की गई है, 3 डिजिट के अंदर ही परमिशन यूज की जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब भी हम लोग कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो उसकी उस पर हम लोग कौन कौन सी परमिशन अप्लाई करते हैं, सिंबॉलिक मेथड के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं परमिशन को, न्यूमेरिक मेथड के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन कौन सी परमिशन किस किस के लिए होती है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो उस पर बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी परमिशंस अप्लाई होती है, और उन परमिशंस को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।